हेलो गाइस, वेलकम टू मॉम टॉक्स इंडिया। गाइस, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है, इसे आप लोग जरूर देखिए। मैं कल गई थी वैक्सीन लेने के लिए, जी हाँ, कोविड वैक्सीन। तो कोविड वैक्सीन कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, ये पूरा डिटेल्स मैं आप लोग को दिखाऊंगी और जर्नी भी दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ वैक्सीन देने के लिए। डर थोड़ा बहुत लग रहा है और फिलहाल मेरे हस्बैंड का तो ऑलमोस्ट हो गया था और यहाँ पर लॉकडाउन भी चल रही है तो रास्ता भी इतना भरा हुआ नहीं है। अभी फ़िलहाल जस्ट बंद होने का टाइम है, इसीलिए सब लोग घर आ रहे हैं। वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है और वैक्सीन मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि प्रोडक्शन भी इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है। पर लकीली बहुत दिन, शायद मैं एक हफ्ते से ट्राई कर रही थी तब जाके मुझे वैक्सीन मिला है। एंड हो पता नहीं, ऐसा सुनने को आ रहा है कि किसी किसी लोगों को तो साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, कोई लोगों को बहुत से बुखार हुआ है कि बिस्तर से उठ नहीं पाया है। पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मेरा हस्बैंड और मेरा मदर इन लॉ, फादर इन लॉ जो लिया था, उन लोगों को इतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ था तो उन लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी। पर पता नहीं मुझे क्या होगा, मुझे तो डर ही लगने लगा है। ऐसे भी बहुत दिन से इंजेक्शन से दूर थी। आप देख सकते हैं रास्ते में पूरा दुकान बंद है, ये गाड़ी सब चल रही है पर ये अभी जस्ट बंद होने का टाइम है, इसीलिए ये सब शायद वापस घर जा रहे हैं। दिन भी इतना ठीक ठाक ही है। बाहर में ऐसा देखो पेड़ को जैसे लग रहा है जैसे ये कोई पॉल्यूशन फ्री होके रखा है। लॉकडाउन ने एक तरफ से तो पॉल्यूशन फ्री करके रख दिया और अच्छा भी मौसम कर दिया, ग्रीनी ग्रीनी। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं तो रास्ते की उस तरफ है वैक्सीनेशन का सेंटर, तो जाके देखते हैं वहाँ पर भीड़ होगा कि नहीं पता नहीं। मुझे तो नहीं लगता क्योंकि जैसे वो लोग स्लॉट बहुत कम ही रखते होंगे। मेरा वक्त 12:30 से था तो ये उलूबड़ी हाई स्कूल में गुवाहाटी में है तो यहाँ पर देखती हूँ, ये गवर्नमेंट स्कूल ही है, यहाँ पर दे रहे हैं। बाप रे क्या हालत है, पानी हुआ था सुबह में, एक्चुअली बारिश हुई थी ना इस वजह से। यहाँ पर कुछ लोग हैं फोटो खींच रहे थे, जो जाके देखते हैं हम लोग क्या होने वाला है। लोग तो भीड़ नहीं है, अच्छा है भीड़ नहीं है तो। फिर भी डबल मास्क तो पहनना ही पड़ेगा ना, डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, कोई है क्या और क्या प्रोसीजर है। सो मेरा हस्बैंड पूछ रही है यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप लोग एरिया भी कितना सुंदर है। तो एक्चुअली सिस्टर लोगों का ब्रेक चल रहा है, इसके बाद वैक्सीनेशन शुरू होगा। शायद मैं वो दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि यहाँ पर लिखा है फोटो नॉट अलाउ और बैठने के लिए इंजेक्शन के बाद हाफ एन आवर, तो शायद वो सीन मैं आप लोगों को दिखा ना पाऊँ। वैक्सीनेशन हो गया मेरा, मैं घर जा रही हूँ। फिलहाल मुझे कोई दर्द नहीं हुआ अभी तक, पर अगर कुछ हुआ तो मैं ज़रूर बताऊँगी आगे। और रास्ता देखिए पूरा खाली है, मानो ऐसा सिर्फ सन का लाइट है। अगर सन का लाइट ऑफ किया जाएगा तो ऐसा लगेगा रात का 12 नहीं तो 1 बज रहे हैं। रियली ग्रेट प्रॉब्लम, ये कोरोना ने तो सबको हिला दिया। और दुख की बात ये है कि मैं मेरी बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं दे पाऊँगी। नर्स ने ये बताया कि शायद आप ब्रेस्ट फीड ना दे तभी अच्छा होगा, नहीं तो साइड इफ़ेक्ट हो सकती है। ये बात मेरे दिल में बहुत तकलीफ हो रही है, पता नहीं मैं अभी क्या करूँगी। और रूही को जब मैं इससे सेपरेट करूँगी तब वो क्या रिएक्शन देगा। ऐसे में नेट में सर्च किया था, सही है दे सकता है, फिर भी जैसे डॉक्टर ने बताया मुझे तो डर ही लगने लगा है। तो मैं कुछ डॉक्टर से भी बात किया तो बोला मिल्क ना दे तो अच्छा है, ऐसा बोल रहा था। पता नहीं अभी क्या होगा, मुझे तो अभी इसका ही टेंशन हो रहा है कि मैं बेबी को सडनली एक ही दिन में ब्रेस्ट फीड कैसे रोक सकती हूँ। शायद मैं कुछ कर पाऊँ, देखती हूँ मैं आगे क्या कर सकती हूँ और ज़रूर शेयर करूँगी आगे की वीडियो, आप देखते रहिए। वैक्सीन तो ले लिया पर सबसे बुरी बात है अचानक रूही को मुझे ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकती। पता नहीं वहाँ से लोग बता रहे थे कि ब्रेस्ट फीड ना किया जाए तो अच्छा होगा, नहीं तो बच्चे के ऊपर साइड इफेक्ट आ सकते हैं। मैं नेट में सर्च किया था कि वैक्सीन के बाद ब्रेस्ट फीड दे सकते हैं पर अगर साइड इफेक्ट हो जाएगा तो, इसके डर से मैं अचानक से उसको ब्रेस्ट फीड का प्रोसीजर बंद करना पड़ा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि ये बहुत छोटी है, फिलहाल ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम भी नहीं है, फिर भी उसको थोड़ा आदत था। ये टाइम बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए कि मेरी बच्ची को मुझसे दूर करके रखना और उसे ब्रेस्ट फीड ना लेना। पर मेरी बच्ची बहुत ही अच्छी है,
उसको समझ में आया है प्रॉब्लम, इसलिए वो जिद भी नहीं किया, रोया भी नहीं, अपने आप को खुद कंट्रोल कर रहा था और बार बार पूछ रहे थे मम्मी ठीक है ना, अभी मैं खा सकती हूँ। बहुत प्यारा था, पर ये मोमेंट ना बहुत ही तकलीफ देने वाले है हर माँ को, क्योंकि एक ब्रेस्ट फीडिंग ही है जहाँ पर हम लोग बच्चे के साथ एक टाइम स्पेंड करते हैं, प्यारा टाइम स्पेंड करते हैं, हग करके रखते हैं, हम लोग को हर्टी वर्म उन लोग को मिलते हैं। पर यहाँ पर तो उससे अचानक से वो दूर हो गई, पता नहीं अब आगे क्या होगा। वैक्सीन लेने के बाद मानो तो कुछ असर ही नहीं हुआ, दर्द भी इतना ज्यादा नहीं हुआ था, पर रात को तो बुखार बढ़ ही रहा था, पूरा बदन में दर्द हुआ था। तो ऐसे भी मैंने सुना था कि वैक्सीन लेने से बुखार मोस्टली आती है, मतलब ये कुछ घबराने की बात नहीं है कि हम लोग के बॉडी में कुछ चेंजेस ला रहे हैं एक्स्ट्रा कुछ चीज से, इसीलिए बुखार आती है, इतना डरने वाली बात नहीं है। पर उसको सहन करना ये तो सबसे बड़ी बात है, पता नहीं अभी भी थोड़ा मेरा सर अभी भी भारी है। पर गाइस मैं इतना कह सकती हूँ कि आप लोग जरूर वैक्सीन लें और जरूर वेट कीजिए, आप हर्ष मत कीजिए वैक्सीन के लिए, टेंस मत हो रही है, शायद थोड़ा शॉर्टेज हो सकती है पर आप लोगों को जरूर मिलेगा। आप लोग के लिए वेट कीजिए वैक्सीन के लिए जब तक वैक्सीन ना आए, और ठीक से वैक्सीन का बुकिंग कीजिए और अपने टाइम में जाके वैक्सीन लीजिए। मास्क पहने, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि वैक्सीन लेने से भी ये नहीं है कि आप लोग सही है और ठीक हो जाएंगे, आपकी बॉडी को इस डिजीज से बचने के लिए राहत मिलेगी, इसीलिए ये वैक्सीन है। पर आपको ये डिजीज नहीं होगी, ये गलती एकदम मत रखना। इसीलिए जब तक ये पूरा वैक्सीनेशन कंप्लीट ना हो जाए शेड्यूल, तब तक आप ये मास्क और डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहिए। आज के लिए इतना है, नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग वेट कीजिए।